नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि आपके अपने रिश्तेदार व सगे संबंधी के द्वारा परेशानी करने का संकेत दिखाएंगे हस्तरेखा में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब्स करें और वीडियो को शेयर करें। आइए हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन में होने वाली एक एक घटना क्रम को बताती है। कि हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक लेके जाते हैं उसके बारे में बताती है। यह हमारी हृदय रेखा हमारे प्रेम व्यवहार के बारे में बताती है। और यह हमारी सूर्य की रेखा, सूर्य की रेखा हमारी प्रतिष्ठा के बारे में बताती है, हमारे मान और सम्मान के बारे में बताती है। यह हमारी भाग्य रेखा, हमारे करियर कैसे हैं, हम किस लक्ष्य पर पहुंचने वाले हैं, हमारा भाग्य कैसे है उसके बारे में बताती हैं। सबसे पहले हमने आपके अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के कारण आपके लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं या आपके लाइफ में आपके फैमिली के द्वारा जो परेशानी का संकेत देते हैं वो हस्तरेखा कैसे बताती है, अपने हाथ को देखकर आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये शुक्र का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र के क्षेत्र पर होने वाली एक एक घटना का संकेत हमारी रेखाओं के द्वारा मिलता है। शुक्र हमारा परिवार है, हमारा संसार है, अपनी लाइफ का होने वाला जो घर परिवार को हम शुक्र से जोड़ते हैं। शुक्र से सारी हम भौतिक चीज़ें लेते हैं, सारी सुखों की चीज़ें लेते हैं। वो कैसे हमारे लाइफ में एक एक घटना को दर्शाती है। शुक्र के क्षेत्र से अगर एक रेखा इस सूर्य रेखा को काटे, इस सूर्य रेखा को काटती हो, एक रेखा अगर ये सूर्य रेखा को काटती हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति हस्तक्षेप करते हैं तथा उसकी स्थिति को बिगाड़ते हैं। और ऐसा तब होता है जब ये रेखाएं प्रॉपर कटती हों। और इस प्रकार के विरोध से व्यक्ति की बदनामी होती है, इस प्रकार के विरोध से उसके मान और सम्मान में बड़ी उथल पुथल मच जाती है, उसकी परेशानियों का संकट बना रहता है, उसको बदनाम करके छोड़ देते हैं तथा उसकी प्रतिष्ठा को भी आँच आती है। इसी प्रकार एक और रेखा को देखते हैं, ये शुक्र के छेद से एक ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है। यदि ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा पर पहुंचकर उसे काट दे तो उसके अपने या उसके अपने रिश्तेदार उस व्यक्ति के विचारधारा को हस्तक्षेप करेंगे। आज उसकी सोचने की जो शक्ति है, वो अपने विकास की शक्ति है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे लोग उसकी लाइफ में आकर उसकी विचारधारा को बिगाड़ने का काम करेंगे, उसके एक एक नर्वस सिस्टम को ख़राब करने का काम करेंगे, उसके जो विचार है, जो बोली है, उसके मानसिक तौर पर उस व्यक्ति को उसके विकास में, उसके विचार में परिवर्तित करेंगे, उसके मन को परेशान करने का काम करेंगे। इसी तरह एक और रेखा को देखते हैं। शुक्र के छेद से अगर एक रेखा
इस भाग रेखा को काटती हो। भाग रेखा को काटने का मतलब व्यक्ति के जीवन में उसके सगे संबंधियों द्वारा दखल है और हस्तक्षेप करके उसे परेशान करेंगे और उसके व्यवसाय अथवा उसके सांसारिक मामले में उसका विरोध करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, उसका चलता फिरता काम रोकने का प्रयास करेंगे, उसकी वृद्धि को देखकर, उसके कामकाज को देखकर वो उसके काम में रुकावट डालने का काम करेंगे। इसी के साथ एक और चिन्ह देखते हैं। इस शुक्र के छेद से एक हृदय रेखा को काटती हो। जब इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं, पहुंचने का मतलब नहीं है, काटने का मतलब होता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंधों में उसके विरोधियों द्वारा हस्तक्षेप करते हैं और उसकी शादी में व्यवधान डालने का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं, उसके अपने होते हैं, उसके अपने संबंधी होते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।